अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कढ़ी बनाने की रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी से कुछ कम बेसन, ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट है, और इसमें साबुत थोड़ा गरम मसाला भी पीस लिया है। ये हरी मिर्ची है बारीक कटी हुई। हमने यहाँ दो दही की थैली ली है, एक मीडियम साइज की प्याज कटी हुई ली है और बारीक हरा धनिया लिया है। ये मेथी दाना है साबुत कड़ी के भगार के लिए। आइए अब हम बेसन और दही को घोलते हैं, उसका पेस्ट बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम दही और बेसन का पेस्ट बनाएंगे, इसमें एक भी लम्स ना रह जाए वरना हमारी कड़ी में गांठें सी पड़ जाएंगी। इसको हमने खाली बेसन और दही लिया है, इसमें पानी नहीं डालेंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, दही और बेसन को ही मिक्स करते हैं, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे दही और बेसन को, इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए। आप चाहें तो हाथ से भी इसको कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं दही और बेसन को। फ्रेंड्स, ये थोड़ा 5-5 मिनट तक अच्छे से, 5-10 मिनट तक अच्छे से मिक्स करते हैं, जब तक इस बेसन के अच्छे से मिक्स ना हो जाए दही में। फ्रेंड्स देखिए, हमने अपने इस भगोने में दो चमचे ये रिफाइंड तेल अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम इसमें ये मेथी दाना डालेंगे। फिर मेथी दाना गरम होने के बाद हम इसमें अपने मसाले डाल के भूनेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया ले लिया है, धनिया करीब 1 चम्मच लिया है, और मिर्ची भी एक चम्मच ली है, और हल्दी पाउडर 2 चम्मच लिया है। आप अपने टेस्ट अनुसार नमक ले सकते हैं स्वाद अनुसार। अब इसमें हम पानी डाल के अपने तेल में डाल देंगे और अच्छे से भूनेंगे। और जो हमारे ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट था, ये भी डाल के ही भून लेंगे। फ्रेंड्स, हम अपने मसाले को 15 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे, इसी से हमारी कढ़ी में टेस्ट आएगा और हमारी कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसको 15 मिनट के लिए हम भूनेंगे पानी लगा लगा के। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी कढ़ी की पकौड़ियों के लिए हमने इसमें एक प्याला बेसन और प्याज जो हमने कट करके रखी थी मीडियम साइज की, और हरी मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार ले लिया है। अब हम इस सबको
अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका एक थिक पेस्ट बनाएंगे, गाढ़ा पेस्ट। ज़्यादा पतला ना बनाएं, वरना आपकी पकौड़ी अच्छी नहीं बनेंगी। फ्रेंड्स, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले बेसन और नमक मिक्स कर लें अच्छे से और इसको फेंट लें, फिर उसके बाद हरी मिर्ची, धनिया, प्याज डालें। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं सब कुछ मिक्स करके। फ्रेंड्स, हम ये सब कुछ मिक्स करके अच्छे से इसे 10 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। उधर हमारी कढ़ी का मसाला भुन रहा है, 15 मिनट होने पे हम उसमें दही और बेसन का पेस्ट डाल देंगे। उसे भी हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख रखा है। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है। अब हम इसमें ये पकौड़ियाँ बनाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, हाई पे करके पहले हमने तेल गरम कर लिया था, अब हम मीडियम पे अपनी पकौड़ियाँ डीप फ्राई कर रहे हैं। अगर हम फ्लेम को तेज़ रखेंगे तो हमारी पकौड़ियाँ बाहर से सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला भुन गया था और हमने उसमें बेसन और दही का पेस्ट जो मिला के रखा था घोल, वो उसमें डाल दिया है और पानी लगा दिया है करीब आधे भगोने से ज़्यादा। अब हमने इसमें फ्लेम हाई कर दिया है और इसको लगातार चला रहे हैं। अगर रुक जाएंगे बेसन और दही का पेस्ट और पानी डालने के बाद चलाते रहना है और फ्लेम को हाई कर देना है, रुकना नहीं है, चलाते रहना है। अगर रुक गए तो हमारी कढ़ी में गांठे सी पड़ जाएंगी। इसको खौल आने तक हाई फ्लेम पे पकाएं और लगातार चलाते रहें। जब खौल आ जाए तो मीडियम फ्लेम कर दें और फिर आधे घंटे के लिए पकाएं। चलाते रहें फ्रेंड, रुकें ना वरना कढ़ी में गांठे पड़ जाएंगी। खौल आने तक चलाते रहें। इधर देखिए फ्रेंड्स, इधर हमारी पकौड़ियाँ अच्छे से सिक रही हैं। इनका गोल्ड कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है। इसको पलट दें फ्रेंड्स, अच्छे से डीप फ्राई कर लें अपनी पकौड़ियों को। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे कढ़ी बनाएंगे तो आपकी कढ़ी बहुत ही टेस्टी बनेगी और ये तरीका भी बहुत ही आसान है।
फ्रेंड्स, हमारी पकौड़ियाँ सिक चुकी हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है हमारी पकौड़ियों में। इसी तरह से हम फ्रेंड्स अपनी सारी पकौड़ियाँ डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पानी गरम कर लिया है, तेज से थोड़ा हल्का पानी गरम कर लिया है। अब इसको हम पकौड़ियाँ इसमें डाल देंगे एक मिनट के लिए। इससे हमारी पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट रहेंगी हमारी कढ़ी में। एक मिनट के लिए इन्हें छोड़ दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, एक मिनट हो गया है, अब हम अपनी पकौड़ियों को कढ़ी में डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, आप पकौड़ियों का साइज अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा रख सकते हैं। इससे बहुत ही सॉफ्ट पकौड़ी रहेंगी कढ़ी के अंदर। आप चाहें तो डीप फ्राई करने के बाद ही डाल सकते हैं पकौड़ियाँ अपनी कढ़ी में। अब फ्रेंड्स, हम अपनी कढ़ी में तड़का लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमने करीब दो चमचे तेल रिफाइंड ऑयल कढ़ाई में गरम कर लिया है। अब हम इसमें सूखी लाल मिर्ची डालेंगे, दो जो हमने काट के रख रखी हैं। फिर इसमें थोड़ा जीरा डालेंगे। जब अच्छे से हमारा मिर्ची और जीरा गरम हो जाएगा, फिर हम इसमें हींग डाल के अपनी कढ़ी में तड़का लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम ये तड़का अपनी कढ़ी में डाल रहे हैं। अब फ्रेंड्स, इस पे हम हरा धनिया डालेंगे। फ्रेंड्स, हमने अपनी कढ़ी को थिक होने तक पकाया था। देखिए हमारी कढ़ी फ्रेंड्स कितने अच्छे से थिक हो गई है। हमने हाई फ्लेम पे थिक होने तक आधे घंटे पकाया था। देखिए कितने अच्छे से गाढ़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे खाने के लिए सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी कढ़ी बनके रेडी हो गई है। देखिए ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी बनी है। आप इसे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।